आज हमें अपने दोस्त की शादी में जाना था, पर भयंकर बारिश ने सारा काम खराब कर दिया। मैं अपने बाल तक नहीं बना पाई। हाय गाइस, ये देखो मेरे हाथ पर लगा हुआ फाउंडेशन, बिकॉज मैं हो रही हूँ रेडी। हमने जाना है एक बहुत ही खास दोस्त की शादी पर, और सुबह भी आ गई। शादी इनके दोस्त की है, और खुशी देखो इनकी जरा। इतनी बारिश थी दोस्तों, कपड़े भी खराब हो रहे थे मेरे, और मैं कुछ ऐसी लग रही थी, बिकॉज बारिश की वजह से लाइट ही नहीं आई घर में, और मैं अपने गीले बाल सेट तक नहीं कर पाई। मुझे अपने बालों पर प्रेसिंग करनी थी, पर मैं वो कर ही नहीं पाई, इसलिए मैंने ये बन बना लिया। शादी में जा रहे हो और केला खाते हो जा रहे हो? मुझे अच्छा लगता है थोड़ा ना खाना खाने से पहले बॉडी को डिटॉक्स करना जरूरी है। पर तुम केले का छिलका खा रहे हो? मुझे बचपन से बहुत पसंद है। हाय हाय, प्रोटीन होता है इसमें। दे ले ये वाला, ठीक है? यही ठीक है, दे दो। ऊपर से वो लगा दो लड़ियां छड़ियां। हां जी, हां जी, वो कर दो। इतनी बारिश के कारण हमें रास्ते में भी काफी ट्रैफिक मिल रहा था। फिर हमने अपने खास दोस्त के लिए खास बुके लिया। सुमेश क्या हो गया, इतनी टेंशन में क्यों? पहुंच जाएंगे, आराम से चला लो गाड़ी। यार बारिश हो रही है, मेरी टिक्की ठंडी हो जाएगी, मुझे ठंडी टिक्की नहीं खानी शादी में। फाइनली गाइज, हम वेडिंग पैलेस पर पहुंच गए। सुमु ने गाड़ी पार्क कर दी और हम अंदर की तरफ गए। हम एक्चुअली बहुत लेट पहुंचे थे, तो हमारे ब्राइड एंड ग्रूम ऑलरेडी डीजे पर डांस कर रहे थे, तो हम उनसे वहीं मिल लिए। और फिर भूख लग रही थी, तो पहले सोचा कि कुछ खाना पीना स्टार्ट किया जाए। वहां पर वरमाला हो रही थी, पर हम स्टेज से काफी दूर थे, तो आपको ये वीडियो तो ब्लरी नजर आ रही होगी। इसके बाद हमने टिक्की, नूडल्स, फ्रूट चाट, ये सब चीजें खाई, और इस सब के साथ साथ मैं अपनी लिपस्टिक भी खा चुकी थी। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है क्या? कमेंट करके जरूर बताना। गाइस एक बात बोलूं, यहाँ ना प्योर पंजाबी, मींस लाइक टिपिकल पंजाबी सॉन्ग्स चल रहे थे डीजे पर, तो मैं डांस भी नहीं कर पाई, बिकॉज आधे से ज्यादा सॉन्ग तो मेरे सर के ऊपर से जा रहे थे। और वेदर के हाल देखो दोस्तों, आज बहुत ठंड हो गई थी सच में। इसके बाद हम लंच हॉल की तरफ गए, और यहाँ आकर थोड़ा अच्छा लग रहा था, क्योंकि यहाँ थोड़ा गर्म माहौल था। इसके बाद हमने अपने प्लेट्स में खाना रखा, और मुझे वहाँ दिख गई थी मेरी फेवरेट क्रिस्पी भिंडी, तो मैंने वो भी रख ली थी। लंच के बाद स्वीट डिश तो बनती है, वो सब भी थोड़ा थोड़ा टेस्ट कर लिया था। खाना बहुत ही अच्छा था। एंड देन मैं वॉशरूम गई थी और अपनी लिपस्टिक को सेट कर लिया था, बिकॉज इसके बाद हम जा रहे थे स्टेज की तरफ। अब दुल्हा दुल्हन के साथ फोटो भी तो खिंचवानी है। वेल ये सब छोड़ो, आप लोग कमेंट करके बताओ कि अपने बाल बनाए बिना भी मैं कैसी लग रही हूँ। तो अब तक आप जान गए होंगे कि ये वेडिंग थी हमारे दोस्त जग्गी की, जिनकी वीडियोस आपने जग्गी टीवी के नाम से जरूर देखी होंगी। इसके बाद हमने अच्छे से फोटो करवाए और हम चल दिए थे अपने घर की तरफ। और शादी से डायरेक्ट मैं आ गई थी अपने नेल स्टूडियो, बिकॉज मुझे मेरी एक्सटेंशंस रिमूव करवानी थी, और इसके लिए भी आज मैंने टाइम निकाल ही लिया। ओह माय गॉड। बाकी आप लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा तो फॉर श्योर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक करना, कॉमेंट करना और वीडियो को शेयर करना मत भूलना। बाय बाय।